मैंने ये चीज़ देखी है कि जितने भी लग्जरी आइटम्स होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा आरामदायक होती हैं, और कहते हैं कि हमको क्या कह सकते हैं इस टर्म को, जो सेफ साउंड होती हैं, जी हाँ, जिनको हम कह सकते हैं कि ये बहुत सेफ़ है, बहुत लग्जूरियस चीज़ें, कभी कभी ना वो चीज़ें बड़ी मतलब ख़तरनाक साबित हो जाती हैं और उसमें जान जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे प्लेन है, सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब ने ना चाय पे चर्चा तो सुनी होगी, पर आज हम करेंगे वॉक पे चर्चा। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब सौरभ शुक्ला। सुबह के बज चुके हैं 7, दिन है सैटरडे, यूपी में है लॉकडाउन। सो मैंने सोचा इस लॉकडाउन को ना एक्सप्लोर किया जाता है वॉक के साथ। सो आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट है, आप सब कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम में वेट गेन हो चुका है और सुबह उठने की आदत जो है जा चुकी है। तो ये चीज़ आप ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी हम आ चुके हैं नीचे और चलिए करते हैं वॉक। 2-3 दिन से फ्रेंड्स ऐसा सीन था कि बहुत ज़्यादा वर्क शेड्यूल टाइट हो गया था, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी और व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं और सैटरडे संडे तो ऑफ रहता ही रहता है, सैटरडे संडे को कुछ ट्राई करते हैं। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ना बोर हो चुके होंगे एक जैसा बैकग्राउंड देख देख के, इनडोर वीडियोज़ देख देख के। सो मैंने कहा आज कुछ बाहर ट्राई करते हैं। तो भाइयों, ये मॉर्निंग वॉक हमारी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं सूरज चाचू फुल फ्लैश में जाग चुके हैं और धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। कल का दिन भी मतलब बिल्कुल सही जा रहा था, सारी चीज़ें अच्छी जा रही थी, बट शाम तक एक बड़ी गंदी न्यूज़ सुनने को मिली। आप सभी ने शायद वो न्यूज़ सुनी भी होगी कि केरला में एक एयर क्रैश हो गया और काफ़ी सारे लोग इंजर्ड भी हो गए। सो आई एम श्योर जितने लोग बच गए हैं भगवान उनको जल्दी से रिकवर करे, और जो लोग नहीं रहे उनके परिवार को हिम्मत दे। यार ऐसे ना बात बन नहीं रही है, कहीं बैठ के ट्राई करते हैं। हाँ जी, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, बैठते हैं। ओहो, हाँ तो बताइए भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग? सबसे पहले जितने मेरे बड़े हैं उन सबको प्रणाम और छोटों को प्यार। दोस्तों चाय पे चर्चा का मुद्दा जो था ना वो ऐसे था कि मॉर्निंग वॉक पे मैंने कहा वॉक और टॉक दोनों हो जाएगी, दोनों ही काम एक साथ कर लेते हैं और सुबह सुबह सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जितने भी लग्जरी आइटम्स होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा आरामदायक होती हैं, और कहते हैं कि हमको क्या कह सकते हैं इस टर्म को, जो सेफ साउंड होती हैं, जी हाँ, जिनको हम कह सकते हैं कि ये बहुत सेफ़ है, बहुत लग्जूरियस चीज़ें, कभी कभी ना वो चीज़ें बड़ी मतलब ख़तरनाक साबित हो जाती हैं और उसमें जान जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे प्लेन है, सो बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर करता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सेफ भी होता है, सब कुछ है, लेकिन जब कैजुअलिटी होती है तो उसमें 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स हैं और जो भी क्रू मेम्बर्स हैं कोई भी नहीं बचता। जब मैं पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठा था, आई एम श्योर आप सबका भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा होगा, जब पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठे होंगे आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। यार मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, मैं तो डर गया था, मुझे लग रहा था यार मतलब क्या है ये। और एक और प्रॉब्लम होती है मेरे साथ एयरक्राफ्ट में बैठने पर, जब लैंडिंग का टाइम आता है और एल्टीट्यूड एकदम से ऊपर नीचे होता है ना,
मेरे कानों में बहुत पेन होता है। सो आई एम श्योर मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, और अगर होती है तो वो ऐसा क्या करते हैं जिससे पेन ना हो। मेरे साथ इनिशियली काफ़ी प्रॉब्लम होती थी और काफ़ी दर्द होता था कानों में, तो मैंने क्या किया, मैंने च्युइंगम लेके बैठता हूँ, च्युइंगम खाता हूँ जब भी पेन होता है। और उसके अलावा एक और चीज़ करता हूँ, जैसे आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आपके कान बंद हो जाए और पेन हो तो आप ऐसे अपनी नाक को दबाइए और ज़बरदस्त प्रेशर दीजिए, बाहर की तरफ प्रेशर दीजिए, तो आपके कानों में जो ऑक्सीजन बबल्स बन गए होंगे वो ब्लास्ट हो जाएंगे और आपके कान खुल जाएंगे और जो पेन हो रहा होगा वो भी कम हो जाएगा। सो ये तो एक छोटा सा एक एयरक्राफ्ट टिप था आपको देने के लिए। तो और भाई लोगों, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हम किस चीज़ पे बात कर सकते हैं, किस चीज़ को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यार जैसे साल 2020 की अगर हम बात करें तो इस साल ना ऐसा कुछ हुआ नहीं यार खास, बहुत ही गंदा साल था। आप शुरुआत से ले लो, कोरोना है, इतने सारे टीवी एक्टर्स की जो है डेथ हो गई, चाहे आप इरफान खान का नाम ले लीजिए, चाहे आप ऋषि कपूर जी का नाम ले लीजिए, हाल फिलहाल सुशांत ने भी सुसाइड कर लिया। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था कि क्या नाम है, बिहार की एक एक्ट्रेस ने भी सुसाइड कर लिया है। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा साल 2020 में हो क्या रहा है। उसके बाद जगह जगह बाढ़ आ रही है, अभी कल शाम को प्लेन क्रैश। तो यार मतलब ऐसे कैसे चलेगा, अब तो बस यही लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके साल 2020 जो है बाहर निकल जाए और फटाफट 2021 आ जाए। देखिए साल तो जैसे तैसे काटना ही है, क्या कर सकते हैं उसमें। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता था कि लॉकडाउन में ना आप अपने समय को कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप फैमिली मेंबर, मतलब जैसे अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। फैमिली के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप टाइम बिताइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं उनके साथ टाइम बिताइए, आप लूडो खेल सकते हैं, इतने सारे इंडोर गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आप वो कर सकते हैं। और आप यूट्यूबर भी बन सकते हैं मेरी तरह। मैं ना बहुत लंबे समय से सोच रहा था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं घूमने जाता हूँ वहाँ के वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपको दिखाऊँगा। बट यार ये सोचते सोचते ना बहुत लेट हो गया और लगता है यार कि काफ़ी पीछे रह चुके हैं, कंपटीशन काफ़ी आगे बढ़ चुका है। बट जब जागो तभी सवेरा, तो हम जाग चुके हैं और हम अपने चैनल को फुल फ्लैश तरीके से स्टार्ट भी कर चुके हैं। बस आप भाई लोगों का, फैमिली मेंबर्स का प्यार ऐसे मिलता रहे, सो हम जीवन में तरक्की करते जाएंगे। वाह यार क्या सुबह है, आई एम श्योर आप भी मेरे साथ ना सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी सोसाइटी, एक छोटा सा ग्लिम्स, कितना प्यारा सा प्यारा सा पार्क बना हुआ है। जस्ट अ मिनट, भाई लोगों वापस आ चुके हैं घर के अंदर। आई एम श्योर आपको चाय पे चर्चा में बहुत मज़ा आया होगा। सो अगर मज़ा आया हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।